यमुनानगर की हमीदा चौकी पर हमला कर साथी को छुड़वा लेने के मामले में पुलिस एक्शन में है और चौकी पर हमला करने वालों की धरपकड़ जारी है और इस मामले में CIA वन शाखा को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए इस घटना के मास्टरमाइंड विक्रांत उर्फ बग्गा को गिरफ्तार किया है। ध्यान रहे 15 अप्रैल की रात हमीदा चौकी पर विक्रांत उर्फ बग्गा ने साथियों सहित हमला बोल दिया था। इस घटना में दो पुलिसकर्मी, होमगार्ड व शिकायत करने आए दो युवक घायल हो गए थे। यमुनानगर में 15 अप्रैल की देर रात हमीदा पुलिस चौकी में एक आरोपी के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस कर्मचारी पर हमला कर वे आरोपी को छुड़वा कर ले गए थे। इसके अलावा पुलिस में खड़े वाहनों से तोड़फोड़ और आगजनी भी की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ही कुछ युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है और जिसकी पुलिस लाश थी और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस ने बग्गा को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। CIA वन इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल की रात विक्रांत उर्फ बग्गा ने अपने साथियों के हमीदा पुलिस चौकी पर हमला किया था। इसके कुछ साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसकी तलाश हमें थी। हमारी टीम को जैसे ही लीड मिली कि हमने तुरंत छापेमारी करते हुए बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। आज इसे कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रात के समय हमीदा चौकी पर हमला किया था अपने साथियों के साथ। वहाँ तोड़फोड़ करी है और मोटरसाइकिल में आगजनी करी है चौकी के अंदर खड़ी हुई, जिसके संबंध में इसके ऊपर और इनके 20-25 अन्य साथियों के ऊपर 307 और 379B और 436 IPC के तहत मुकदमा दर्ज है। और जो ये बग्गा है, जो ये मेन है इस मुकदमा में, और इससे पहले भी इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें स्नैचिंग और 307 IPC व हर्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, और जो काफ़ी खतरनाक किस्म का अपराधी है और यह पहले भी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है। इसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज था। सिविल हॉस्पिटल में इसको मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, तभी यह पुलिस को चकमा दे के फरार हो चुका था। उसने यह अरेस्ट हो चुका है और अब इसने एक महीने पहले हमीदा चौकी में पुलिस मुलाजिमों के ऊपर अटैक करके पुलिस चौकी हमीदा में तोड़फोड़ करी थी, जिसमें हमने कल मेरे पास लीड आई थी और मैंने तुरंत उस लीड को सूचना को SHO सिटी के साथ शेयर करते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें ASI नेम सिंह जो चौकी इंचार्ज हमीदा है उसके नेतृत्व में टीम का गठन किया और इस बग्गा उपरोक्त को जिसकी यमुनानगर पुलिस की काफ़ी एजेंसियों को तलाश थी, पर इस लीड पर हमने कार्य करते हुए चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में टीम का गठन किया और इस टीम ने बग्गा जो इसको विक्रांत को विश्वकर्मा चौक से करीब शाम को अरेस्ट किया है और इसका आज उसमें कोर्ट में पेश करके इसका एक दिन का रिमांड लिया गया है ताकि इनके अन्य जो साथी हैं उनका पता किया जा सके और उनको अरेस्ट किया जा सके। ये ज़्यादातर मुकदमे इसमें यमुनानगर पुलिस के ही दर्ज हैं। एक पहले जो पुराना इसका रिकॉर्ड है वो पंजाब में है, एक मर्डर का मुकदमा दर्ज जिसमें इसने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने साथी किसी रिलेटिव की हत्या कर दी थी, उसमें ये अरेस्ट हुआ था काफ़ी साल पहले। इसमें टोटल 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से स्नैचिंग के और 307 के व हार्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं और टोटल 15 इसका काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। चौकी में 10 इस समय 10 अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं, जो बाई नेम है लगभग सभी अरेस्ट हो चुके हैं। यही जो ये विक्रांत उर्फ बग्गा था ये मेन था और इसको हमने काबू कर लिया है और इसका एक दिन का रिमांड लिया है। अभी जो अन्य के नाम दर्ज हुआ है मुकदमा रहते हैं अभी 10-15 अक्यूज, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं।